तुम्हारा नॉर्मली घर पे फ्रेश खाने तो बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रेफर करते हैं कि अच्छा उनको फ्रीज कर दिया जाए और उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, चले कोई बात नहीं दोबारा कहाँ से मेहनत करेंगे, इसको फ्रीज कर देते हैं, या जो घर में मेरे घर में कोई प्रैक्टिस है जो सालन सबको बहुत पसंद आया वो लगे कि वो बहुत ज़्यादा बन गया तो उसको फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। लेकिन जनाब दूध का इस्तेमाल चूँकि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और नॉर्मली आप दूध को जमाना या उसको रखना तो आम सी बात है, लेकिन उसको जो फ्रीज कर देते हैं उससे उसके लिए बहुत काम ख़राब हो जाता है। उसमें जो बलाई जिसको आप कहते हैं और जिसके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत इंपैक्ट आता है उन पर गलत किस्म का, क्योंकि जब आप फ्रीज हुआ हुआ दूध पीते हैं तो उसमें अलग अलग सी वो बलाई अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है, तो उसके बाद आप उस पर एक ऑयली सी भी आ जाती है जिससे उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा प्रेफर ये करना चाहिए कि दूध फ्रेश उसको कंज्यूम किया जाए, बॉयल किया जाए और मैक्सिमम एक दिन या पूरा, जैसे आपने सुबह आया आपके नॉर्मली घरों में यही प्रैक्टिस होती है तो शाम तक आप उतना दूध हो के वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रीज़ करने वाला दूध क्या आलू के हवाले से बताया, और तली हुई चीज़ें जिनके हम बताते हैं कि आप जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं नॉर्मली फिश जो हम खा रहे होते हैं उसमें भी हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि हम फ्रिश भी फ्रीज कर देते हैं, उससे भी उसका बहुत काम ख़राब होता है। उन्हें बग़ैर तले हुए आप किसी बंद डब्बे में फ्रीज कर दें तो वो बेहतर है, लेकिन उसको भी ज़्यादा अरसे तक फ्रीज करना आइडियल नहीं समझा जाता, तो बेहतर होता है कि चीज़ों को फ्रीज ना किया जाए, स्पेशली जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं क्योंकि ऑयल उनके अंदर अब्जॉर्ब होता है जब आप उनको फ्रीज करते हैं तो वो ऑयल भी साथ में फ्रीज होता है, उसके बाद फिर अक्सर लोगों को खांसी गला ख़राब होने की भी शिकायत होती है। तो लिहाजा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आपको ये सब्जियां और फल ये तो डेफिनेटली फ्रीज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब आप अमूमन हमारे घर में, मैं अपने घर की बात करूँगी, टमाटर फ्रीज कर लेती हैं मेरी अम्मी, और जब वो टमाटर फ्रीज होते हैं उसके बाद जब उनको पिघलाते हैं तो वो इतने नरम हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ नॉर्मली लोग करते हैं। गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अरसे तक उसको फ्रीज नहीं रखना चाहिए, डॉक्टर कहते हैं उसमें कुछ ऐसी जो कह लें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिससे आपकी सेहत इम्पैक्ट आ सकता है। गलत, दही को आपने फ्रीज नहीं करना, उसके बाद चावल, चावल अक्सर हमारे यहाँ नॉर्मली घरों में कुछ में ऑयल इस्तेमाल होता है कुछ में घी इस्तेमाल होता है, तो जो घी वाली चीज़ें होती हैं अगर आप उनको वैसे ही कुछ लोग ठंडा खा लेते हैं तो वो भी आपके अंदर जाके बहुत नुकसान पहुँचाते हैं सेहत को। तो प्रेफर बातों की बात, सारी बातों का एक ही निचोड़ कि फ्रेश चीज़ें खाएँ, कोशिश करें कि फ्रीज़र जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए।